गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न अबाउट द टेंस वन बाय वन। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंस के एक एक भाग को हमने चार चार पार्ट में डिवाइड किया था, बांटा था। प्रेजेंट को चार भागों में हमने डिवाइड किया था, पास्ट को चार भाग में डिवाइड किया था और फ्यूचर को भी चार भागों में डिवाइड किया था। मीन्स इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट का जो पहला पॉइंट है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो लेट अस नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। मीन्स प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या है इन द इंग्लिश। इन इंग्लिश इट शोज दैट द एक्शन इज मेंशन, इस टेंस में जो एक्शन दिया गया है मेंशन सिंपली विदाउट बीइंग सेड, सिंपली साधारण तौर पे बीइंग सेड ऐसा कहा जाता है, बताया गया है, उसको बोध होता है अबाउट द कॉम्प्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। मतलब जो कार्य चल रहा है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह एक किताब पढ़ता है, तो कब से पढ़ता है, कब तक पढ़ेगा, इसके बारे में कोई कंप्लीट जानकारी नहीं होती है। तो इसी बात को हम कहते हैं कि इसमें कंप्लीट होने का और इनकम्प्लीट होने का कोई बोध होता नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश। हिंदी में यदि हम जानना चाहेंगे, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे सपोज टेक अ एग्जांपल हियर, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, मीन्स अंत में हम लोग का है, लास्ट में है, ता है, वह स्कूल जाता है। राधा एक गीत गाती है, वे नदी में नहाते हैं, मीन्स इससे बोध होता है जो ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी में भी हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में लिख लेंगे इसे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया मीन्स है मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन इसका हिंदी में। अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड में इसको हम एक एक करके इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। लेट अस स्टार्ट हियर, शुरू करते हैं इसको, ये करना कैसे है, इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना कैसे, हमको सीखेंगे आज हम इस कक्षा में, आज इस क्लास में। तो अफर्मेटिव, अगर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, मीन्स पॉजिटिव इसे कहते हैं। निगेटिव, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। और आई फॉर इंट्रोगेटिव हम मान लेंगे, एन फॉर निगेटिव मानेंगे, आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड एन फॉर निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव से नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो इसके आगे भी तो अभी हम लोग को फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इज इंट्रोगेटिव निगेटिव।
अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, यस टाइप हाँ में जवाब हो, पॉजिटिव इसे कहते हैं। निगेटिव इज नकारात्मक, निगेटिव का नहीं का सेंस होता हो, नहीं का बोध होता हो। इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता हो, प्रश्नवाचक वाक्य उसे हम कहेंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव उसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, पढ़ते ही से। इसको पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से मतलब यह है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहां पे यदि एक एग्जांपल लेते हैं V1 का और V2 का, V3, V4 एंड V5 मींस एग्जांपल लिया हमने ईट का, ईट मींस खाना, ईट मींस खाया, ईटन थर्ड फॉर्म खा चुका है, ईटिंग खा रहा है, और फिफ्थ है इट्स। तो ये जो इट्स है सिंगुलर में है और ये जो इट है प्लूरल में है। और मैंने बताया था आपको कि ऑल मेन वर्ब्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, जितनी भी मुख्य क्रियाएं होती हैं वह बहुवचन के रूप में होती है, उसमें हम एस या ईएस लगा करके उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे जो है इट है ये प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे जो है ये सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम V5 का यूज करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम V1 का यूज करेंगे। तो इसको हम एस या ईएस भी लिख सकते हैं, एस ऑब्लिक ईएस, इसी को बोथ आर द सेम मीनिंग। जैसे हमने लिखा V1 ऑब्लिक V5, यू हैव लिख सकते हैं आप V1 प्लस एस ऑब्लिक ईएस, बोथ आर करेक्ट, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे V1 मीन्स क्या है, प्लूरल से मतलब है, और V5 मीन्स क्या है, सिंगुलर से मतलब है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 का यूज करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन है तो हम उसे V1 का यूज करेंगे। एंड आगे जो है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए एग्जाम्पल लेकर हम पढ़ेंगे, जैसे वह स्कूल जाता है, यहां पर लिख के समझ सकते हैं, वह स्कूल जाता है। तो पहले ये हम चेक करेंगे कि कौन सा टेंस है, मींस ता है, ती है, ते हैं, मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये देखेंगे कौन जाता है स्कूल, ही वह जाता है, तो वह मींस यहां पे सब्जेक्ट कर्ता का काम कर रहा है। वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो, जाता कहां है, तो स्कूल जाता है, तो स्कूल हमारे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाता है मींस कौन स्कूल जाता है, तो वह जाता है, तो वह यहां पे करता है सब्जेक्ट है। वह कहां जाता है, तो स्कूल जाता है, तो स्कूल यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, वह सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल क्या करता है, तो जाता है, तो जाना यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यह समझाने के लिए है, बहुत आराम से धीरे धीरे समझना है, ढेर सारे मैटर्स है, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक करके सिंपल वे में सीखना है आपको। तो इसका हमें ट्रांसलेट करना है, इसको हमको इंग्लिश में चेंज करना है इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, सो यू हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट मींस ही, सब्जेक्ट मींस ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो गो हो गया, और गो में हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे गोस। एस या ईएस मींस क्या, फिफ्थ हमने यूज किया है, क्यों हमने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता, आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, तो हम यहाँ पे ही के साथ जैसे गोज कर रहे हैं, तो आई यदि यहाँ पर आता तो हम आई के साथ गो यूज करते, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हमारा मेन वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। He goes, जाने के लिए कहीं भी जाता है तो टू, ही गोज टू कहां पर जाता है स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। अगला ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं।
अगला है हमारा निगेटिव, तो इसमें सबसे पहले एस पर सब्जेक्ट मानेंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी लगाना जरूरी होता है। तो यहां पे जैसा कि डू है एंड डज है, देयर आर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन है आपको यहां पे, तो डू जो होगा आई वी यू एंड दे, दीज आर प्लूरल्स, ये बहुवचन है, इनके साथ आपको ये हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करना है। डज है तो सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ आप यूज करेंगे, जैसे ही सी एंड इट और जितने भी नेम्स आएंगे नाम आएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज करेंगे। तो यहां पे जैसे किसी सेंटेंस का हम एग्जांपल लेंगे, यहां पे इसी को समझेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, मीन सब्जेक्ट यहां पे क्या है, अगर हम हिंदी में लिख लेंगे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस हम लोगों का। तो इसको चेंज करना है इंग्लिश में, हमको इसकी इंग्लिश बनानी है, अंग्रेजी बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग का है यहाँ पे ही, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे, ही डज, आफ्टर दैट निगेटिव पैसेंस के लिए नॉट, आफ्टर दैट ही डज नॉट, मेन वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा गो, यहाँ पे ईएस का चीज आ गया एस या ईएस, यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमने डज लिया है, प्लूरल के लिए हमने डू लिया है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे, और वी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल को नहीं जाता, मीन्स वह स्कूल नहीं जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव के लिए था। अगला है हम लोग का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से ही बोध होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का काम करेगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक जो डब्ल्यूएस टाइप होता है, समझेंगे उसको आगे चल के करके, पहले इसको समझते हैं, इसको लिखते हैं कि सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू और डज, इसको लिखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, मींस ये नेगेटिव, यहां पे इंट्रोगेटिव है, क्या वह स्कूल जाता है, यह है स्ट्रक्चर हमारा। तो डू सेलेक्ट करेंगे कि डस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है यहां पे वह, तो वह बोलने से बोध होता है कि सिंगुलर है, एक वचन में है, सो यू हैव टू चूज हियर डज बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का चूज करेंगे यहां पे डज, आफ्टर दैट यू हैव टू चूज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, ही डज ही, मेन वर्ब गो मींस होता है जाना, तो डज ही गो टू मींस गो स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क, Does he go to school? यदि यहाँ पे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, अगर ये रहता तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते डू, डू क्योंकि प्लूरल के साथ यूज होता है, यदि मैं रहता क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू आई गो टू स्कूल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। इसको ये इंट्रोगेटिव था हमारा, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए करना क्या है आपको, क्या वह स्कूल जाता है मींस क्या, क्या वह स्कूल नहीं जाता, लिख लेंगे यहाँ पे इसी को स्ट्रक्चर लिख लेंगे यहाँ पे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपको नेगेटिव का सेंस लाना है, यहाँ पे नॉट करेंगे, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यह है क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल नहीं जाता। एक चीज देखेंगे कि यहां पे जो सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट है और मेन वर्ब, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब, तो नेगेटिव का देखिए यहां पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या आया है, नेगेटिव का सेंस आया है, तो हमेशा हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव यूज करेंगे, तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर है तो इन दोनों में से हम चूज करेंगे डज का, डज, फिर उसके बाद से है सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है ही, डज ही, नॉट निगेटिव सेंस के लिए नॉट सेलेक्ट करेंगे नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे गो और टू स्कूल, तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया सेंटेंस, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। यह जो था ये सिंपल इंट्रोगेटिव, जैसे ये इसको हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव, मैंने बताया कि दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, ये जो था पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर यही क्वेश्चन अगर आता है कि वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। लेट अस लर्न, लास्ट टॉपिक है इसको पढ़ लेंगे अभी, कि अगर वैसा भी आता है तो हम बनाएंगे कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पे, वह स्कूल क्यों जाता है, देखेंगे यहाँ पे पहले वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, जो यहाँ पे देखिए क्यों आया है, क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल कैसे नहीं जाता है, देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, या ढेर सारे उदाहरण है, एक को समझेंगे केवल। तो जो पहला था यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। यहाँ पे आपका शुरू में क्या आया है, यहाँ पे आपका सेंटेंस के मध्य में आया है, मिडिल में आया है, बीच में आया है, इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि डबल स्टेप के बाद से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो पहले इसको सीखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या वह स्कूल जाता है, मींस ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनता है। इसका जो है जैसे इसका अगर हम बनाएंगे ट्रांसलेट करेंगे इसको, क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल लिख लिया हमने, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये जो हेल्पिंग वर्ब था इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव की जो बात हो रही थी, वह स्कूल क्यों जाता है, तो जो बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां आएगा, इसका मीनिंग सबसे पहले यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर क्यों, व्हाई लिख लेंगे यहां पे व्हाई, अब वाई है तो यहाँ पे फिर वाई हमने लिख दिया, और फिर वह स्कूल क्यों जाता है, तो इंट्रोगेटिव मतलब इसका स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, वाई उसके ऊपर डू ऑब्लिक डज, तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, डज, वाई डज, वाई डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वाई डज ही, आफ्टर दैट मेन वर्ब गो, ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे का अगर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। जैसे समझ लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, why does he not go to school? इसमें जो डिफरेंस है, अगर शुरू में क्या आया है तो इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्यों, कब, कैसे आता है, तो इसको बस क्वेश्चन वर्ड ऐड करके इसके हिसाब से, अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। दैट्स फॉर ऑल टुडे, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और अगले क्लास में मिलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।